हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल ई के बारे में। तो देख लेते हैं ये ट्रिपल ई क्या होता है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ट्रिपल ई जो है एक सर्विस है जिसका काम क्या होता है। अगर मैं ट्रिपल ई की अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ तो इसे हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो ट्रिपल ई इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ई है उसका मतलब क्या है, आपका ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है, हु कैन लॉग इन टू द डिवाइस और नेटवर्क। यानी ये क्या देखता है कि आपके नेटवर्क में आपकी डिवाइस को कौन लॉग इन कर सके, कौन जो है उस डिवाइस को यूज़ कर सके। यानी कि एक तरीके से ये ट्रिपल ए क्या है, एक आपका सिक्योरिटी फीचर है, एक सिक्योरिटी की सर्विस है जिससे आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपके डिवाइस को कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके। दूसरा ए का मतलब यहाँ पर है ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन यहाँ पर क्या होता है, वॉट यू आर अलाउड टू डू। यानी आपने जिसे एक्सेस दिया हुआ है वो किस चीज़ के लिए अलाउ हुआ है, यानी वो क्या कर सकता है, यानी वो किस सर्विस को यूज़ कर सकता है। वो आपका रिमोट ले सकता है, वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकता है, या आप जो भी चाहते हैं सिर्फ वही कर सकता है। थर्ड ए का यहाँ पर मतलब है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या है, कीप्स रिकॉर्ड ऑफ वॉट यू हैव डन। यानी कि आपने क्या किया हुआ है, कि मान लीजिए कि एक यूज़र आपका रिमोट लेता है जिसे आपने एक्सेस दे रखा है। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर रिमोट पे वो कोई चेंजेस कर देता है तब भी क्या हुआ कि आपको लगा कि वो चेंजेस जो है आपके स्विच से हुए। आप ये नहीं पता लगा सकते कि वो स्विच जो चेंजेस है वो नेटवर्क में किसने किए हैं, लेकिन आप ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो ट्रिपल ए की मदद से। यानी आपका जो ट्रिपल है एक तरीके से आपके नेटवर्क को मॉनिटर करने, आपके ट्रैक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ट्रिपल ए में अगर हम बात करें तो जो ट्रिपल ए होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स ऑफ ट्रिपल ए। एक तो होता है आपका लोकल ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, एक होता है आपका सर्वर बेस्ड ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले हम लोकल ट्रिपल ए की बात कर लेते हैं। तो जो लोकल ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन यूज़ किया जाता है वो आपका स्मॉल नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। स्मॉल नेटवर्क में किस लिए किया जाता है, रिमोट यूजर सेंड देयर ऑथेंटिकेशन टू कनेक्टेड ट्रिपल ए सिस्को राउटर। यानी आप क्या करोगे, मान लीजिए आपने एक नेटवर्क बना रखा है, उस नेटवर्क में जो है आपने एक तो राउटर लगा रखा है और उस राउटर के साथ में आपने जो है कुछ पीसी और स्विच वगैरह ये सारी चीज़ें कनेक्टेड करा रखी हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन वैसे आप चाहो तो आप ये स्विच पर भी करा सकते हो, राउटर पर भी करा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पे इसे कराना चाहते हो। तो मान लीजिए हमने राउटर पे करा रहे हैं, तो हमने अभी क्या किया है कि हमने जो है ये पीसी इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है राउटर के साथ में। अब क्या होता है कि हम राउटर पर जो है टेलनेट कॉन्फ़िगर करते हैं और इस पीसी से जो है उसका रिमोट लेते हैं। तो अगर आपने टेलनेट कॉन्फ़िगर किया होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप टेलनेट स्पेस उसका आईपी एड्रेस डालते हो, वैसे ही आपसे क्या, सिर्फ आपका जो BTY पासवर्ड होता है वो पूछा जाता है और आपको एक्सेस दे देता है आपके राउटर का। अगर आप ट्रिपल ए लगाते हो तो उस केस में क्या होगा, आप ट्रिपल ए पे एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ऑथेंटिकेशन अलग से आप क्रिएट करोगे, वही ऑथेंटिकेशन आपसे पूछा जाएगा जब भी कोई आपका रिमोट लेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास अब एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड अलग से हो गया है, यानी उस यूज़र नेम पासवर्ड के बिना जो है कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि सिस्को राउटर के ऊपर ही जो है ऑथेंटिकेशन किया। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही आपका रिमोट यूज़र वो राउटर के पास जाएगा ऑथेंटिकेट होने के लिए, राउटर अपने ट्रिपल ए डेटाबेस में ये चेक करेगा कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड उसके पास स्टोर्ड हैं क्या वही सामने वाले यूज़र ने जो है वो एंटर कराया है। अगर कराया है तो उसे एक्सेस दे देगा, अदरवाइज उसे डिनाई करा देगा। तो ये होता है हमारा लोकल ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। अब देख लेते हैं इसके बाद लोकल ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिक्चर में दिखाया है कि मान लीजिए हमारे पास ये रिमोट क्लाइंट है और ये इस राउटर से कनेक्टेड है जहाँ पर ट्रिपल ए कन्फिगर हो रखा है। तो क्या हुआ कि यहाँ से इसकी रिक्वेस्ट गई क्लाइंट कनेक्ट टू द राउटर, जैसे ही कनेक्ट होने के लिए हुआ, इसने अपने डेटाबेस में चेक किया कि राउटर ऑथेंटिकेट्स बेस्ड ऑन लोकल डेटाबेस। और अगर यहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉपर हैं तो क्या होगा कि राउटर प्रॉम्प्ट्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जैसे ही यहाँ से आपका एक्सेस के लिए गया, यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड गया, अगर प्रॉपर डाला तो ऑथेंटिकेट हो गया, आपको क्या है वहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सर्वर बेस्ड ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। तो ये सर्वर बेस्ड ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इट इज़ सूटेड फॉर एंटरप्राइज विद मल्टीपल राउटर। अगर आपके पास मल्टीपल राउटर है, एंटरप्राइज नेटवर्क बना हुआ है, तो वहाँ पर आप चाहो तो लोकली आप चाहते हैं कि ये राउटर में आप जो है अपने पासवर्ड को, यूज़र नेम को स्टोर ना करा के आप किसी सर्वर में स्टोर कराना चाहते हो, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो सर्वर बेस्ड ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन का। लेकिन साथ ही इसके लिए जो आपको चाहिए होता है वो आपका सिस्को ACS यूजर्स एंड एक्सटर्नल डेटाबेस सर्वर, आपको डेटाबेस सर्वर चाहिए होता है जहाँ पर आप यूज़र नेम पासवर्ड को स्टोर कर सको
और इसके लिए जो आपको कंपोनेंट यानी जो फीचर्स चाहिए जो आपको सर्वर में सारे इंस्टॉल कराने हैं वो क्या क्या चाहिए आपको, एक तो आपको सिस्को सिक्योर एक्सेस कंट्रोल सर्वर चाहिए विंडोज सर्वर में, सिस्को सिक्योर ACS सॉल्यूशन इंजन चाहिए, सिस्को सिक्योर ACS एक्सप्रेस चाहिए, यानी ये सारे क्या है, ये सारे आपके फीचर हैं जो आपको सर्वर बनाते टाइम इंस्टॉल कराने हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इस टॉपिक पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आपको, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिसमें मैं इन सारी चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि जब सर्वर बेस्ड ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन कराते हैं तो ये किस तरीके से काम करता है। हमने यहाँ पर एक रिमोट क्लाइंट लिया हुआ है जो कि राउटर से कनेक्टेड है और राउटर एक दूसरे सर्वर से कनेक्टेड है। इस सर्वर को हम सिस्को सिक्योर ACS सर्वर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, द क्लाइंट इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द राउटर। क्लाइंट क्या करता है, देखिए यहाँ पर इन्होंने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया राउटर के साथ। द ट्रिपल ए राउटर प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब राउटर क्या करता है, यूजर नेम और पासवर्ड के लिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट कर देता है कि आप यूजर नेम और पासवर्ड बताइए। द राउटर ऑथेंटिकेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड यूजिंग अ रिमोट ट्रिपल ए सर्वर। अब इसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ से वापस आपका यूजर नेम पासवर्ड जाता है तो ये क्या करता है, इसे सर्वर के साथ में ऑथेंटिकेट करता है और सर्वर आपको बताता है कि जो यूजर नेम पासवर्ड वहाँ से प्रॉम्प्ट में फिल किया गया है वो प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद क्या होता है, द यूजर इज ऑथराइज टू एक्सेस द नेटवर्क बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन द रिमोट ट्रिपल ए सर्वर। अगर सारा यूजर नेम पासवर्ड प्रॉपर ठीक है तो यूज़र को क्या मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है। इस तरीके से ये सर्वर जो है आपका सर्वर बेस्ड ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन यूज होता है। इसके आगे देख लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं हम टकास एंड रेडियस जो प्रोटोकॉल है हमारे उनके बारे में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपके प्रोटोकॉल हैं, काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि ये क्या होते हैं। तो आपका जो टकास प्रोटोकॉल है और जो रेडियस प्रोटोकॉल है ये दोनों क्या हैं, यूज़ होते हैं आपके जब भी आप क्या करते हो कि सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पर सर्वर बेस्ड ट्रिपल ए का कॉन्फ़िगरेशन कराते हो तो आपके क्लाइंट और आपके सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, एक तो ये टकास होता है और एक आपका रेडियस होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर दिखाया कि ये रिमोट यूज़र है, इन्होंने राउटर से कनेक्ट होकर ये सर्वर बना रखे हैं। सर्वर जो है आपका डिपेंड करता है कि सर्वर आपने सिस्को सिक्योर ACS पे बनाया या फिर सिस्को सिक्योर ACS सॉल्यूशन इंजन या सिस्को सिक्योर ACS एक्सप्रेस। अब यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं वो आपके कौन से, टकास और रेडियस हैं। आप अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए होता क्या, दोनों में से कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करें, कौन सा बेस्ट है। तो फंक्शनैलिटी में देख लेते हैं, तो टकास जो होता है ये कैसे काम करता है, सेपरेट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, यानी इस पर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आप अलग अलग लगा सकते हो। जबकि रेडियस में क्या होता है, कंबाइन रहता है, यानी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एक ही बार में एक साथ काम करता है, एक साथ आप अप्लाई करते हो, अलग अलग से आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो ये सिस्को सपोर्टेड है और जो रेडियस है वो क्या है, ओपन है, यानी आप किसी भी राउटर पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर जो आपका प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है इसके साथ में वो TCP हो रहा है और इसमें UDP हो रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो भी आपका डेटा पैकेट जाते हैं तो वो सारे के सारे इनक्रिप्टेड होते हैं, लेकिन रेडियस में क्या होता है, सिर्फ आपका पासवर्ड ही इनक्रिप्टेड होता है। ऑथराइजेशन की बात करें तो ये ऑथराइजेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन रेडियस में कोई ऐसी अलग से कमांड नहीं है कि आप अलग से ऑथराइजेशन को अप्लाई कर सको, वो उसके साथ में ही कंबाइन रहता है। अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर अकाउंटिंग सपोर्टेड है, यहाँ पर भी अकाउंटिंग सपोर्टेड है। अब ये जो प्रोटोकॉल है हमारे, एक तो टकास प्लस है, इससे पहले जो इसका वर्जन आता था वो आपका टकास आता था। अब क्या यहाँ पर टकास प्लस और रेडियस इस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल बिटवीन ACS एंड क्लाइंट। टकास की फुल फॉर्म जो होती है वो आपकी टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल सर्वर, और आपका रेडियस की होती है रिमोट एक्सेस डायल इन यूज़र सर्विसेज, ये इसकी फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टकास ऑथेंटिकेशन प्रोसेस की, तो यहाँ क्या, सबसे पहले क्लाइंट ने कनेक्ट किया, यहाँ से यूज़र नेम का आपका प्रॉम्प्ट हुआ, यहाँ से JR एडमिन और पासवर्ड इन्होंने टाइप करा दिया और पासवर्ड जो है आपका इनक्रिप्ट होके गया। अब पासवर्ड कैसे जाएगा, इनक्रिप्ट होके जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये तो किसकी थी, क्लाइंट साइड की थी, क्लाइंट साइड की प्रोसेस थी कि क्लाइंट जब करेगा तो वो इस तरीके से यहाँ पर काम करेगा, ये सारी प्रोसेस यहाँ पर जा रही है। प्रोवाइड सेपरेट ट्रिपल ए सर्विसेज यूटिलाइज TCP पोर्ट 49, ये जो TCP का पोर्ट यूज़ करता है वो 49 को यूज़ करता है। रेडियस में देखो तो यहाँ से यूज़र नेम गया, यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन के लिए आपसे यूज़र नेम पूछा गया, आपने पासवर्ड आपने यहाँ पूछा गया, आपने यहाँ पर पासवर्ड फिल करा दिया, तो ये सारी प्रोसेस आपने यहाँ पर की हुई है। यहाँ पर क्या, वर्क इन बोथ लोकल एंड रोमिंग सिचुएशन, ये दोनों ही लोकल और रोमिंग सिचुएशन में काम करता है। यहाँ पर UDP का पोर्ट 1645 या फिर 1812 ये यूज़ होता है ऑथेंटिकेशन, एंड UDP पोर्ट 1646
1813 फॉर अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग कराते हैं तो उसके लिए ये पोर्ट यूज़ होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट यूजेस रेडियस प्रोटोकॉल इन इट्स वीपीएन ऑथेंटिकेशन। माइक्रोसॉफ्ट भी रेडियस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है अपने वीपीएन ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक, आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एग्जांपल दिखाई है, ट्रिपल ए जो आपका टकाक्स यूज़ करता है, तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटरफेस रहता है। ये क्या आपका सर्वर पे जो आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़ हो रही है वो है सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल्स, और यहाँ पर ये सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप ट्रिपल ए कन्फिगर किया हुआ है, आपने ट्रिपल ए सर्वर ग्रुप बना रखे हैं, यहाँ पर सर्वर वगैरह आपने लॉग इन के लिए यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें यहीं पर कन्फिगर कराते हैं, तो इस तरीके से आप जो यहाँ पर यूज़ करते हैं।